वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा जो मेकअप लुक देख रहे हो, इसकी वीडियो जा चुकी है चैनल पे, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा किस तरीके से किया है। पूरी डिटेल वीडियो जा चुकी है, फाउंडेशन अप्लाई करने का तरीका, मेकअप कैसे करना चाहिए, एंड साड़ी के लिए मेकअप बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। छठ पूजा आ रही है तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। तो आज मेकअप की वीडियो तो जा चुकी है, बट हेयर स्टाइल कैसा बनाए वो भी इतने छोटे छोटे बालों पर। तो आज की वीडियो है हेयर स्टाइल पे, तो किस तरीके से बनाना है, कैसे करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी औरतों को प्रॉब्लम्स रहती है इस तरीके से छोटे बालों की, एंड मेन टाइम पे हेयर स्टाइल के लिए कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरी वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज मेरे सेकंड चैनल पे जाते रहती हैं, तो सिलाई से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पे जाइएगा और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है हमारा साड़ी के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर पार्टीशन कर रही हूँ, एंड कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। एंड इसके साथ आप गजरा जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये वाला हेयर स्टाइल जो है वो गजरे के साथ ही काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये हेयर स्टाइल करने के बाद से मैं ऑयल लगाऊंगी, एंड उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और कल मैं निकलूँगी गाँव, क्योंकि छठ पूजा है और बिहार में तो छठ पूजा का जो अलग ही राज है भाई। तो इस तरीके से मैंने बालों को बिल्कुल फ्लैट कर लिया है। ओके, अब हम लोग कॉम करेंगे। अच्छे से कॉम करेंगे एंड रबर बैंड को लगाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से लगाने के बाद से आपका जो क्राउन एरिया का बाल है वो फ्लैट दिखने लगता है। तो उसके लिए आप इस तरीके से फिंगर को बालों में डालोगे और हल्का सा खींच दोगे, जिससे कि जो आपका फ्लैट लुक है वो थोड़ा सा बाउंसी दिखेगा और आपके बाल जो पतले हल्के हैं वो थोड़ा सा हैवी दिखेंगे। उसके बाद आपको लेना है डोनट बन, और डोनट बन को इस तरीके से बालों में लगा देंगे। आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग डोनट बन ले सकते हैं, और डोनट बन में लगाएंगे 3-4 यू पिन ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हमको चाहिए एक छोटा सा पतला सा रबर बैंड। ओके, मैंने यहाँ पे एक तरीके का रबर बैंड ले लिया है, और इस तरीके से छोटे बालों में आप ये वाला बन बना सकते हो। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बन को डोनट बन के चारों तरफ इस तरीके से फैला लेंगे आराम आराम से। इस तरीके से हाथों से होल्ड करते हुए रबर बैंड को लगा लेंगे। ओके, रबर बैंड तो हमने लगा लिया है, अब हम लोग जो एक्स्ट्रा हेयर है इनको आपस में ट्विस्ट करते जाएंगे। ट्विस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाल हमारे वैसे ही छोटे हैं, तो अगर आप ट्विस्ट नहीं करोगे तो ये निकल सकते हैं। ट्विस्ट कर लिया, अब सारे हेयर को यू पिन से सेट कर देंगे इस तरीके से। बहुत सारे यू पिन लगा लीजिएगा, क्योंकि बाल छोटे हैं तो निकल सकते हैं, और बीच में ही आपका फंक्शन के बीच में ही आपका जूड़ा जो है वो खुल जाएगा, इसलिए यू पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। जहाँ भी लगे आपको कि थोड़ा आपका बन का दुकान कम्फर्टेबल है या फिर अच्छे से नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आप यू पिन किस लिए है भाई, यू पिन है आपके बालों के हेयर स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए और सेट करने के लिए। इस तरीके से लगा लिया हमने। अब मेन टाइम पे मेरे पास नहीं था गजरा, तो अब मैं अपने बालों को डेकोरेट कैसे करूँ, क्योंकि बाल तो छोटे हैं तो बहुत लंबी जो चोटी तो बनी नहीं, जिससे कि मैं बन के चला था उसको लपेट के बिना हेयर डेकोरेट किए ही अपने लुक को और अच्छा दिखा पाऊँ। वैसे नहीं है तो भी चलेगा ऐसे भी, बट ये तो बात होगी एक बात कहने की, बट मुझे तो करना है डेकोरेट, तो मैंने लिया है इस तरीके का अपना अपना माला, क्या बोलेंगे इसको, नेकलेस।
अब इसको इस तरीके से लगाया है, ओके, और इस तरह ये जो जैसे हम लोग गले में लगाते हैं वैसे यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो मैं शीशे में देखूँ कैसा लग रहा है इसका लुक, मम्मी दिख नहीं रहा है सॉरी। शीशे के चक्कर में मेरा हेयर भी अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं बाद में देख लूँगी फोटो क्लिक करके। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसको अंदर की तरफ से इस तरीके से लपेट देंगे, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके का लुक आया है। आई होप कि अच्छा ही दिखा होगा, मुझे तो दिखने का, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा था। तो आप इस तरीके से अपने गले के सेट को भी हेयर स्टाइल में लगा के और हेयर स्टाइल को अच्छा लुक दे सकते हो। यहाँ पे कोई फ्लावर वाला यूपी हो तो वो ट्राई कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। बट मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे वाले हैं मेरे पास तो मैं वो ही अप्लाई कर रही हूँ, अगर जो होंगे वो आप ट्राई कर लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से 4 या 5 रेड वाले फ्लावर वाले यूपिन्स लेंगे। तो साड़ी के लिए ये हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है इसके। इसमें आप पल्लू को सिर पे रखो या ना रखो आपकी मर्जी है, तो आप इस तरीके से गलती ना करें, एक एक कर लें। मैं सोचती हूँ सारा काम एक साथ ही हो जाए तो जल्दी जल्दी मैंने अप्लाई किया, बट नहीं हुआ तो बाद में मैंने एक एक करके किया। तो ये है मेरा फाइनल लुक, बट इयररिंग्स के बिना तो लुक कंप्लीट नहीं लगता है। तो उसी सेट का इयररिंग्स है यहाँ पे मेरे पास, फ्रंट से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, तो इसको मैं पहन लूँगी। अब अपने जो आपको अच्छा लगे उस टाइप का इयररिंग्स ले लीजिएगा, बट मैं यही डाल के बस आपको दिखा दे रही हूँ एक बार हेयर स्टाइल। ये मेकअप लुक का वीडियो जा चुका है तो जाके चेकअप जरूर कर लीजिएगा। मंती का लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो आप छोड़ सकते हो। सिंदूर भर भर के लगाइएगा इस लुक के साथ, सिंदूर बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, मानती का लगाना है तो आप मानती का भी लगा सकते हो वेडिंग सीजन में, अगर थोड़ा अच्छा लुक दिखाना है तो इस तरीके से। बट मुझे ये मानती का अच्छी नहीं लग रही है, फिर मैं ये वाला देखती हूँ, बट ये वाला बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बट वेडिंग सीजन के लिए अच्छा है तो आप वेडिंग सीजन पे ये ट्राई कर सकते हो। पहले इसका ऊपर वाला हिस्सा लगाएंगे, मंगटी का जो होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे मत लगाइए, बहुत ज़्यादा नीचे लगाने से इसका लुक ख़राब हो जाता है, ओके। तब इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। यही मंगटी का कल मैंने अपनी बेटी को लगाया था दिवाली पे और काफ़ी अच्छी लग रही थी। यार क्या हो रहा है, हो गया तो ये मैंने लगा लिया है, एंड इसको थोड़ा सा और ऊपर खींचेंगे और एक क्लिप के साथ इसको सिक्योर कर देंगे। वाओ वाओ वाओ, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपना ड्रेस चेंज करो एंड अपने लुक को खूबसूरत बनाओ। तो इसके साथ अगर पल्लू रखना है तो आप पल्लू रख सकते हो, पल्लू रख के मैं कैसी लग रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ। ठीक ठाक, नॉट बैड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और कैसा लगा हेयर स्टाइल एंड मेरी ज्वेलरी, ये मैंने मीशो से मंगाया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोज देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। एक बार और देख लो यार और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें जो कंसीलर लगा हुआ है
ठीक लग रहा है कि नहीं ये मुझे बताएगा। विदाउट कंसीलर भी ये लुक काफ़ी अच्छा लगता है मेकअप का।